2015 खेल जगत के लिए क्या लेकर आ रहा है? देखिए, मंगल की राशि में शनि बैठा हुआ है, मगर इस वक्त मंगल जो है वो शनि की राशि में बैठा हुआ, ये जो एक्सचेंज है ये बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि जब शनि की राशि में मंगल बैठा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो हॉकी हो, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो खिलाड़ी हैं एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मगर इस वक्त की परिस्थिति देखते हैं तो तीरंदाजी में पर्टिकुलरली, क्योंकि ग्रह दशा में डेफिनेटली ये साफ साफ नज़र आता है, तीरंदाजी में और कुश्ती में हमारा देश फिर कोई ना कोई बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करता हुआ दिखाई देता है। मगर पॉसिबली साथ, क्योंकि साथ साथ क्रिकेट की बात, क्योंकि क्रिकेट हमारे देश में एक धर्म बन गया है, कहीं ना कहीं क्रिकेट की स्वच्छता के लिए दो तीन ऐसे कांड सामने आएंगे जैसे श्रीनिवासन साहब का आया, कहीं ना कहीं हमारे कर्णधार श्री महेंद्र सिंह धोनी जो हैं उन्होंने अभी रिसेंटली मैच से संन्यास ले लिया, यानी कहीं ना कहीं क्रिकेट में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे दिखाई देता रहेगा आपको। मगर बाकी जैसे टेबल टेनिस है, टेनिस है, हॉकी है, कबड्डी है, रेसलिंग है, फलन तीरंदाजी है, इनमें डेफिनेटली भारत का परचम ऊपर आएगा और खेल जगत में भी जो खिलाड़ियों को प्रावधान मिलने चाहिए थे वो डेफिनेटली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेंगे। ये नहीं कि चाय और रस के साथ में उनको काम चलाना पड़ेगा, उनके लिए भी एक नए प्रावधान पैदा होंगे आगे आने वाले दिनों में। जैसे आर्थिक उन्नति करेगा ऐसे ही खेल के क्षेत्र में भी हमारा देश जो है उन्नति करता रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ आती हुई दिखाई देती है, बॉर्डर्स के ऊपर। दुश्मन से बचकर रहना पड़ेगा, पाकिस्तान से बचकर रहना पड़ेगा, चाइना के ऊपर विश्वास करते करते कहीं ना कहीं अपनी आंखें और कान खोलने पड़ेंगे, उग्रवाद को कम करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे, सुरक्षा एजेंसीज को कहीं ना कहीं जबरदस्त कदम उठाने पड़ेंगे, नरेंद्र मोदी को, रक्षा विशेषज्ञों को, रक्षा मंत्री को, कहीं ना कहीं इन सब रुख पहले से ही कड़ा कर लिया गया।